नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ चना का सातू घर पर कैसे बनाए जाते हैं उसका रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और दो तरीके से बनाएंगे। तो सातू बनाने के लिए हम ब्राउन चना लेंगे और अच्छी तरह साफ करके इन्हें रात भर अथवा 4-5 घंटे भिगो कर रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन रात भर भिगोने पर हमें काम करने में आसानी हो जाता है। तो ये चना को मैंने रात भर भिगो कर और सुबह पानी से छान लिए हैं। अब हम इन चनों को एक प्लेट पर एक कपड़ा सूती का रख कर अथवा डायरेक्ट भी रख सकते हैं, भारी अमाउंट बना रहे हैं तो इस तरह से इसे फैला लेंगे और इसे धूप में 3-4 घंटे के लिए सुखाएंगे अथवा 3-4 घंटे के लिए पंखे के नीचे भी रख सकते हैं। तो इन्हें उठाकर धूप में रख देते हैं 3-4 घंटे के लिए और बीच बीच में इन्हें 2-4 बार हाथों से चला लेंगे, यानी नीचे ऊपर कर लेंगे। तो देखिए, मैंने पहले से ही इन्हें सुखा कर रखे हैं और हमारा चना पूरी तरह से ड्राई नहीं होना चाहिए, इनमें नमी होनी चाहिए थोड़ी सी। देखिए, इस तरह से दबाएंगे तो ये इस तरह से जोर से करेंगे तो इस तरह से ये दब रहा है। इसी तरह का चना होना चाहिए। तो गैस पर एक भारी तले की कोई पैन अथवा कढ़ाई रखेंगे और इन्हें गर्म होने देते हैं। तो देखिए, अब गर्म हो चुका है। अब इनमें डालते हैं ये चने। एक बार में बहुत सारा नहीं डालेंगे, इतने चने मैं 2 बार में भूनूंगी। तो अब इन्हें एक पैचुला की सहायता से इस तरह से चलाते हुए तब तक भूनेंगे जब तक इनका कलर चेंज ना हो जाए। भून कर ये गोल हो जाएगा और चटर की आवाज आने लगेगा इनसे। देखिए, भूनते जाएंगे हम, कलर चेंज होते जाएगा इसका। तो देखिए, कलर भी चेंज हो गया है, भून कर गोल हो गया है ये और इनमें से चटचट की आवाज भी आने लगा है। तो चलिए सुनते हैं किस तरह का आवाज है। तो इसी तरह से फूटने लगता है। तो अब इन्हें हम चलाते हुए और 1 मिनट भून लेते हैं ताकि अच्छी तरह से क्रिस्प हो जाए। तो अब ये हो चुका है, हमें इसे ज्यादा नहीं भूनना है। तो अब एक बर्तन में इन्हें निकाल लेते हैं और बहुत ही अच्छा सिका है ये। इसी तरह का होनी चाहिए, जलना भी नहीं चाहिए और कच्चा भी नहीं रहना चाहिए। अब दूसरे बैच का भी इसी तरह से चलाते हुए भून लेते हैं। तो देखिए, मैंने सारे भून लिए हैं। अब इन्हें एक ट्रे में अथवा कोई बड़े बर्तन में, प्लेट में इस तरह से इसे रखकर और आधा घंटा करीब हवा लगने देंगे, फिर हम इसे सातू बनाएंगे। और आधा घंटा के बाद इनमें से आधा अमाउंट को मैं दाल बनाकर सातू बनाऊंगी और आधा को ऐसे ही बनाऊंगी। दोनों प्रोसेस आपको दिखाऊंगी। तो आधा घंटा के बाद मैंने एक ग्राइंडर में इन्हें आधा अमाउंट भर लिए हैं और इस तरह से एक बार नहीं चलाएंगे, इसे बीच बीच में रोककर 2-4 बार चलाएंगे, ज्यादा नहीं चलाएंगे तो दाल ये बन जाएगा। देखिए, अब ये दाल बन गया है। अब निकाल निकाल लेते हैं इन्हें और निकाल कर इन्हें एक प्लेट में रख लेते हैं। अब इन्हें इस तरह से हाथों से इसे झटकेंगे तो दाल अलग और छिलके अलग हो जाएंगे। तो आप इसी तरह से कीजिएगा, मैं बाहर जाकर इसे झटक कर आती हूँ, जस्ट मैं आपको दिखाना चाहती थी। आप इसी तरह से कीजिएगा तो दाल अलग रह जाएंगे और छिलके अलग हो जाएंगे। तो मैं दाल को निकाल लिए हैं छिलके से अलग करके। देखिए, और एक दो भी रह भी जाए ये चना तो कोई बात नहीं। तो चलिए, अब मैं इन्हें पीस कर दिखाती हूँ। तो एक मिक्सर जार में इन्हें डाल लेते हैं और चना का छिलका भी इन जार में बहुत आसानी से निकल जाता, लेकिन मैं आपको ग्राइंडर जार में इसीलिए दिखाएं कि कांच का जार था तो मुझे करके आपको बताने में आसानी हुई। तो अब इन्हें पीस लेते हैं और बीच बीच में एक दो बार निकाल कर और चला लेंगे तो अच्छी तरह से पीस जाएगा ये सातू। देखिए, इस तरह से चला देंगे एक दो बार और फिर से रखकर पीस लेंगे तो फाइन पाउडर बन जाएगा। तो अब ये सातू तैयार हो चुका है, देखिए, और देखने से ही पता चल रहा है कि कितना बारीक पिसा है। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं एक प्लेट में और जो छिलके वाले हैं इन्हें भी पीस लेते हैं। ये भी पीस कर तैयार हो चुके हैं। तो चलिए, अब एक छलनी से दोनों को छान लेते हैं। इस तरह से छलनी पर डालकर और इस तरह से चलाते हुए छान लेंगे। छानने के बाद यदि मोटा पार्ट बहुत ज्यादा रहा तो फिर से पीस सकते हैं। तो अब इन्हें हटा देते हैं और बाकी का जो छिलके वाले हैं उन्हें भी छान लेते हैं और दोनों मिलाकर जो बाकी रहा उन्हें पीस कर फिर से छान लेंगे।
तो अब इन्हें भी छान लेते हैं छिलके वाले को। लीजिए मैंने दोनों तरह का सातू को छान कर तैयार कर लिए हैं। दोनों तरीके के सातू बहुत ही अच्छे बने हैं और बनाना कितना आसान है ये तो आपने देखा ही। और बिना छिलके वाले की कंपेरिजन में छिलके वाले सातू और पौष्टिक होते हैं क्योंकि इनमें बहुत फाइबर होते हैं। वैसे दोनों ही तरीके के सातू बाहर के कंपेरिजन में बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होते हैं, उसका कोई कंपेरिजन नहीं है बाहर का सातू से। तो आप ये सातू जरूर बनाइए और पहले मसाला बिल्कुल नहीं डालिएगा कुछ भी, क्योंकि कई लोग को मीठा सातू का शरबत पसंद होता है तो उनमें सारे मसाले अच्छे नहीं लगते हैं, तो आप अपने फ्लेवर के अनुसार से डालिएगा बाद में। तो आप ये सातू बनाइए और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी डेली अपडेट मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।